हाय एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफ्ड कैप्सिकम। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े बॉयल पटेटोस और उन्हें मैश कर लिया है। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे जीरा। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक और ग्रीन चिली। इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ रफली चॉप्ड अनियन। अनियन को भी फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अनियन ब्राउन हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इस सब को मिला लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड पटेटो। इसको मसाले के साथ मिला लेंगे अच्छे से। आलू को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा लाइम जूस। तो अब ये आलू की स्टफिंग एकदम रेडी है। नेक्स्ट हम कैप्सिकम को प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए हम कैप्सिकम को ऊपर से काट कर इसको अंदर से हॉलो कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम बाकी की कैप्सिकम को भी प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम कैप्सिकम में आलू का मसाला स्टफ कर लेंगे। इसको अच्छे से दबाकर स्टफ करेंगे। तो इसी तरह से बाकी की कैप्सिकम को भी स्टफ कर लेंगे। तो अब हमारी कैप्सिकम एकदम रेडी है फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है और इसमें मैं रखूँगी सारी स्टफ्ड कैप्सिकम। इसको कवर करके एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। कैप्सिकम को बीच में टर्न करके सभी साइड से इवनली कुक कर लेंगे। कैप्सिकम को पूरी तरह कुक होने में अराउंड 10 टू 12 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो इसको इसी तरह से धीमी आंच पर ढककर पका लेंगे। तो अभी ये स्टफ्ड कैप्सिकम एकदम अच्छे से पक चुकी है। आप इस डिश को रोटी या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे ऑफिस या स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी पैक कर सकते हैं।